स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में, मैं आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस अनियंत्रित होता जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हालात बेकाबू है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने शहर में कंटेनमेंट जोन बनाना शुरू कर दिया है। 7 महीने बाद फिर प्रशासन को इसके लिए मजबूर होना पड़ा। शहर के 7 इलाकों में 20 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक हर घर में 2 से 5 लोग संक्रमित है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि 7 दिन बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इनको बाहर आने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, इनके आसपास के घरों को भी सैनिटाइज किए जाने की योजना है। आगे से जिस घर में 2 से ज्यादा मरीज मिलेंगे उन्हें कंटेनमेंट जोन किया जाएगा। हालात ऐसे हैं कि राजधानी में 16 सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू और एचडीयू के 400 बेड रिजर्व हैं। इनमें से 72% फुल हो चुके हैं। 35 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं। मध्य प्रदेश शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2142 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,86,407 तक पहुँच गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 581 बेड में से 401 फुल हैं। ये स्थिति तब है जब शहर में 3,455 एक्टिव केस हैं और उनमें से भी 2,360 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 50,000 तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल ये आंकड़ा 12,995 है। सरकार ने भोपाल के जेके हॉस्पिटल, इंदौर के अरविंदो और उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल से फिर अनुबंध कर लिया है। तीनों में अभी 425 बेड रिजर्व है। प्रदेश में अब हर दिन 25,000 से 30,000 सैंपल जांचे जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में भी सरकार ने एक्टिव केस 50,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। तब सभी जगह कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे। इस बार ऐसी तैयारी नहीं है। सरकार का मानना है कि अभी कुल एक्टिव केस में से 70% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अस्पतालों में ज्यादातर बेड खाली हैं। आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 18 से 29% तक ही भरे हैं। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।